जोहर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विंडोज़ 11 हैक। ठीक है, आज विंडोज़ 11 हैक का पहला चैप्टर है और आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि हाउ टू डिसेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स इन विंडोज़ 10 और 11। ऑटोमेटिक अपडेट होता है ना, बैकग्राउंड में चलता रहता है, ठीक है, और आपका डेटा ख़त्म हो जाता है ना। तो अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते हो तो आप अपना डेटा जो है बचा पाओगे। ठीक है, ये वीडियो जो है पूरा देखना, अदरवाइज यू नो आपको स्टेप मिस कर जाओगे और इसका नतीजा ये होगा कि आप जो है आपका जो ऑटोमेटिक अपडेट है, ठीक है, अगर आप यूज़ कर रहे हो विंडोज 11 और 10, ठीक है, आप उसे डिसेबल नहीं कर पाओगे या उसे लिमिट नहीं कर पाओगे। ओके तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि हाउ टू डिसेबल ऑटोमेटिक अपडेट इन विंडोज 10 और 11। ठीक है, तो जो स्टेप मैं फॉलो करूँगा वही स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैंने सारे स्टेप नोट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, आपको सारे स्टेप वही फॉलो करना है। ठीक है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 है तो मैं परफॉर्म करूंगा विंडो 11 पे। ठीक है, विंडो 10 में भी सिमिलर अप्रोच आपको परफॉर्म करना है। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगा। उस ब्लॉग का एड्रेस जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद नेटवर्क और इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद जो भी कनेक्शन आपका है, वाईफाई कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन है या डायल अप कनेक्शन है, आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है मैनेज नोन नेटवर्क्स पे। ठीक है, उसके बाद जिस डिवाइस से आप कनेक्ट हो, जैसे कि आप मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट हो या जियो फाई के वाईफाई से कनेक्ट हो, आप उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीटर्ड कनेक्शन का। ठीक है, मीटर्ड कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको स्विच ऑन कर देना। ठीक है, वो ऑफ होगा बाय डिफॉल्ट और उसे ऑन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप विंडो, ठीक है, विंडो 10 में भी आपको सारे स्टेप ऐसे ही फॉलो करने हैं सिमिलरली। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, स्टार्ट बटन पर जाना है आपको, सेटिंग्स पे, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आप मेरे कर्सर को फॉलो करो। ठीक है, नेटवर्क और इंटरनेट पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं इस समय, ठीक है, मेरा जो कनेक्शन है ना वो वाईफाई कनेक्शन है, मैं ज़्यादातर वाईफाई से कनेक्ट होता हूँ तो मैं वाईफाई पे क्लिक करूँगा। आपका जो कनेक्शन आपको वो सेट करना है, वाईफाई, इथरनेट या डायल अप, इन दोनों में से, तो मैं वाईफाई पे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है मैनेज नोन नेटवर्क्स पे। तो जितने भी डिवाइसेस से आप कनेक्ट होते हो वो सारे लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कभी मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होता हूँ, कभी मैं जियो फाई से कनेक्ट होता हूँ। ठीक है, आपको जिस भी डिवाइस से आप कनेक्टेड हो, ठीक है, आपको उससे उस पर मतलब उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जियो फाई पर क्लिक किया, फिर आपको ये जाना है, देखा ना मीटर्ड कनेक्शन। ठीक है, मीटर्ड कनेक्शन है ये ऑफ है। ठीक है, मैंने ऑफ कर रखा है, आपको उसको ऑन करना है। ठीक है, तो जैसे आप इसे ऑन कर दोगे ना तो आपका डेटा जो है लिमिट हो जाएगा, फिर जैसे पहले कंज्यूम होता था डेटा, ठीक है, वैसा आप कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, अब ऑटोमेटिक जो अपडेट्स है ना वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, देखा हुआ है ना, सेट आर डेटा लिमिट टू हेल्प कंट्रोल डेटा यूजर्स ऑन दिस नेटवर्क। जो आपका डेटा यूजर जो जितना यूज पहले होता था अब उतना नहीं होगा। ठीक है, अब आपका डेटा जो है बच जाएगा, 1 GB या 1.5 GB का जो भी आपका पैक है। ठीक है, अब पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा, इससे क्या होगा, आप सारे अपने सारे जो इंपॉर्टेंट काम है वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आप जब सारे काम आपके जब इम्पोर्टेंट काम हो जाए तो उसके बाद आपको फिर आप फिर से इसको ऑफ कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बैकग्राउंड में जो ऑटोमेटिक अपडेट है ना वो फिर से ऑन हो जाएगा, वो चलने लगेगा। ओके, अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महीने या हफ्ते में एक बार आप जरूर कर लेना। ठीक है, आप इसे ऑन कर देना तो आपका डेटा जो है लिमिट हो जाएगा और आपका डेटा बच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो जितने स्टेप मैंने फॉलो किए आपको सिमिलरली सारे स्टेप वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, विंडो 10 में, ये मेरा सिस्टम विंडो 11 है, आप विंडो 10 में भी आपको सिमिलरली ऐसे स्टेप, सॉरी सारे स्टेप आपको वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपको वही फॉलो करना है एंड यू विल बी एबल टू सेव योर डेटा। ठीक है, आप अपना डेटा जो है बचा लोगे। और फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। Thank you very much.